दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने कारनामों की वजह से अक्सर विवादों में रहता है। इस बार एक छात्र ने विश्वविद्यालय पर पैसे लेकर छात्रों को टॉपर बनाने और पैसे नहीं देने पर छात्रों का रिजल्ट खराब करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि उसकी उत्तर पुस्तिका की सही तरीके से जाँच नहीं की गई। एक ओर जहाँ सही सवालों के लिए नंबर नहीं दिए गए तो दूसरी ओर कई प्रश्नों की एवरेज मार्किंग कर दी गई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक भी छात्र के आरोपों को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अपनी मजबूरी का रोना भी रो रहा है कि उसके पास पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। असंतुष्ट छात्र अगर दावा करता है तो सिर्फ उन उत्तरों के लिए नंबर दिए जा सकते हैं जिनकी जाँच नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी आरोपी मूल्यांकनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई से भी बच रहा है। ऐसे में पीड़ित छात्र ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की धमकी दी है। जब हम आज मार्कशीट मेरा अपडेट हुआ है तो उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ 4 नंबर जोड़ के मेरा जो है सो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और विश्वविद्यालय अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है और इसके लिए जो है सो हमको अभी मार्कशीट मिल गया है। तो यही मेरा अभी हम इसी से असंतुष्ट है, बिल्कुल हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसके लिए अब हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ न्यायालय के लिए बढ़ेंगे, यहाँ से हाईकोर्ट जाएंगे। नहीं, उसको तो उस एग्जामिनर को चिन्हित किया जाए, उससे अब मैंने हम अपने यहाँ से उसको डिबार्ड कर देंगे। एक आखिरी सवाल, छात्र संतुष्ट नहीं मिलेगा? अब तो जो अनमार्क है उस पर मार्क ही केवल दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं। जो है रिइवैल्यूएशन का है नहीं।